500 लोग आए थे कि वो कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है, नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है, और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनने इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से ये शुरुआत होती है। बच्चा होए, बुजुर्ग होए, ठगा गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है, भ्रष्टाचार के गवाह है।